हाय डियर, वेलकम बैक। तो चलिए झटपट से बताती हूँ आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। आपने डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा तो खूब खाया होगा, बट अभी लॉकडाउन में ये सब खाने का, बाहर का खाने का मन नहीं करता, तो क्यों ना आज हम उसे घर पर ही बनाएं, वो भी इंस्टेंट मेरे स्टाइल में। तो चलिए झटपट से बताती हूँ मैंने उसके लिए क्या लिया है। तो आप चाहें तो पैन ले सकते हैं, मैं तवा पिज़्ज़ा बता रही हूँ, कैसे भी बना सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो, अवन हो, पैन हो, तवा हो। मैंने ये नॉर्मल डोसे वाला तवा लिया है, इवन आप अगर इस तरीके से रोटी तवा लेंगे उस पर भी बन जाएगा। और तो मैंने गैस चालू कर दी है, बिल्कुल धीमी आँच पर रखा है। तो उसके लिए मैं बताऊँ आपको कि मैंने ये पिज़्ज़ा बेस मैंने मार्केट से लिए हैं, ये इस तरीके से बेकरी पे मिल जाएंगे, आपको किसी भी बेकरी पे मिल जाएंगे। और ये वैसे तो घर पे भी बन सकते हैं, बट हमें घर पर ही बनाना है अगर, तो वो इंस्टेंट कैसे हुआ, और बनाते बनाते तो खाने का मूड भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको इजी वे में बताने जा रही हूँ। तो मैं आपको पिज़्ज़ा टू वे बताऊंगी। एक तो हम अनियन कैप्सिकम बनाएंगे, और एक हम अनियन कैप्सिकम, टोमेटो, कॉर्न, इवन पनीर भी लगाएंगे उस पर। टॉपिंग आप अपने पसंद के हिसाब से कोई सी भी दे सकते हैं जो आपके टेस्ट में हो। तो ये मैंने सब्जियां कट कर ली हैं, ये शिमला मिर्च इस तरीके से गोल काट सकते हैं आप, या फिर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं। और ये टोमेटो के मैंने बीज और फ्लैश निकाल के सिर्फ उसका ये ऊपर का लिया है, इसको इस तरीके से कट कर लिया है। और इसी तरीके से मैंने अनियन इस तरीके से डाइस्ड कट कर लिए हैं। तो आप रॉ भी डाल सकते हैं, चाइनीज़ सब्ज़ी ये सब रॉ भी खाई जा सकती हैं। और आप चाहें तो पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं, कैप्सिकम को भी हल्का सा कर सकते हैं। तो उस पनीर पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने ये अमूल का पनीर लिया है, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो चलिए मैं इसको, जब तक हमारा तवा गर्म होता है, तो मैं इसके पीसेस कट कर लेती हूँ छोटे छोटे से। इसको हम इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में चॉपिंग बोर्ड पे काट लेंगे। तो मैं इसी तवा पे हल्का सा ये ऑयल ग्रीस करके इसी पे मैं कैप्सिकम और पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। और आप चाहें तो फ्राई ना करें, ये सब रॉ ही खाया जा सकता है, हमें बस इतना ही पनीर चाहिए, क्योंकि एक एक पनीर वाला बना रही हूँ और एक अनियन कैप्सिकम वाला। तो एक साइड पे हम ये अपना कैप्सिकम भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा फ्राई करना है हमें, हमें क्रंची ही रखना है इसको। ये देखिए ये गोल्डन हो गया, देखो बस हमें इतना ही करना है। ये देखिए ये लाल हो गया ना, बस इतना ही करना है। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे, इस तरीके से इसको हल्का सा टॉस कर लें, बस ये हो गया है, हमें इसको क्रंची ही रखना है। तो अब इसको भी हटा देते हैं।
तो ये चलिए हमारे ये कैप्सिकम और पनीर हमने निकाल लिया। अब हम पिज़्ज़ा बेस पैन पे रख देंगे। गैस आपने बिल्कुल धीमी आंच पे रखनी है और ये होता रहेगा। इसकी टॉपिंग मैं अभी साथ साथ करूँगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं घर की चीज़ों से, घर में अवेलेबल चीज़ों से ही बनाऊँगी, तो टॉपिंग हम कुछ भी दे सकते हैं। और सॉसेज में वैसे तो पिज़्ज़ा टॉपिंग आती है मार्केट में, बट मैंने पहले शेज़वान सॉस की आपको रेसिपी दिखा चुकी हूँ, तो उसका मैं इस्तेमाल करूँगी, शेज़वान सॉस का भी। तो हल्की हल्की हम ये लगाएंगे इस पर। तो देखिए, मैंने होममेड अपनी शेज़वान सॉस इस पर फैला दी है। बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है क्योंकि ये टोटली रेड चिली की होती है, बहुत तीखी होती है। तो ये मैंने शेज़वान सॉस तो लगा दी है, थोड़ी सी मैं केचप भी लगाऊंगी, लेकिन शेज़वान सॉस है जो अपना कंप्लीट टेस्ट देती है और कमाल का टेस्ट आता है इससे। ये थोड़ी सी ये भी अप्लाई कर रही हूँ इस पर। वैसे तो मैं ये सब पहले से लगा के रख लेती हूँ, जितने भी पिज़्ज़ा बनाने होते हैं 3-4 हमने, तो सारे इस तरीके से मैं लगा के रैप करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिसको जब खाना हो निकाला, अवन में लगाया और खा लेते हैं। बट ये मैं आपको सिखाने के लिए इस तरीके से इसको लगा रही हूँ। तो पहले हम आनियन कैप्सिकम का बना देते हैं। तो ये हम, या तो आप इस तरीके से काट लें इसको, इस तरीके से गोल गोल, और या फिर इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लें। देखिए, और साथ में आनियन इस तरीके से डाइस्ड काट के इसका एक एक पेटल ऐसे अलग कर देंगे हम। ये टॉपिंग में आप अपनी चॉइस के, कुछ भी ऑलिव डालना हो, कुछ भी डालना हो जो आपको, वो आप डाल सकते हैं। और टोमेटो चाहे तो टोमेटो लगा दें। तो ये हमने वेजिटेबल्स अपनी लगा दी हैं। थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ इस पर, और ये चिली फ्लेक्स मैंने घर पे बनाए हैं मिक्सी में, अभी ग्राइंडर में, तो ये बहुत तीखे हैं, थोड़े थोड़े ये भी डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स भी। और चूंकि हमारी सॉस भी शेज़वान सॉस है, वो भी चिली की है, तो हमें बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो ये हल्का सा डाल रही हूँ। ऑरिगैनो मेरे पास नहीं है, तो जो है मैं उसी में काम चला रही हूँ। और अब हमने ये मोज़रेला चीज़, ये अमूल का ग्रेटेड आता है, मार्केट से ही ग्रेटेड आता है, तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम ये। और मैंने काफ़ी पहले रख दिया था, तो ये मेरा क्रिस्पी होने आया है, नीचे से जल ना जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर एक तवा और रख के इसको इस तरीके से रख रही हूँ। और आप चाहें तो इस तरीके से अमूल के क्यूब्स भी आते हैं, तो इस तरीके से क्यूब्स भी डाल सकते हैं, और क्यूब्स को भी इस तरीके से आप ग्रेट कर सकते हैं। और चीज़ तो एक्स्ट्रा लोडेड ही होना चाहिए पिज़्ज़ा पे। इस तरीके से हमने चीज़ डाला। तो जी, ये हमारा पिज़्ज़ा हमने लगा दिया है। आप इस तरीके से कोई ढक्कन इस पे ढक दें, 5 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो मोज़रेला चीज़ से बहुत अच्छा ग्रिप आएगा,
बट ये अमूल का जो हम लेते हैं ना क्यूब्स, इससे वो आपको जो ग्रिप आता है एक चीज़ का, वो नहीं आएगा इससे, मोज़रेला चीज़ से ही आएगा। पिज़्ज़ा के लिए वो ही यूज़ करना चाहिए। तो ये जब तक होता है तो मैं और भी लगा लेती हूँ पिज़्ज़ा में। तो ये मैंने दूसरे पे भी शेज़वान सॉस, केचप ये लगा लिया है, इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। तो ये हम पनीर पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पीसेस करिए और इस पर लगा दीजिए कहीं कहीं। इस तरीके से कहीं अनियन, कहीं ये, तो लगाते जाइए आप। तो ये इस तरीके से कहीं कहीं हमने लगा दिया। अब ये हम कॉर्न भी लगाएंगे थोड़े से। कैप्सिकम, अनियन, टोमेटो, पनीर, कॉर्न पिज़्ज़ा, आपको जो टॉपिंग चाहिए आप वो लगा लें। घर पे तो अपनी ही मर्जी चलती है ना। तो आप इस पे चीज लोड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा दूसरा पिज्जा भी हमने तैयार कर लिया है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने मान लो बनाने हैं कोई बर्थडे है बच्चे का या कुछ हम बनाते हैं ना, तो मैं इस तरीके से सारे पिज़्ज़ा लगा कर इस तरीके, या तो क्लिंग रैप ले लो आप, या इस तरीके से लगा के इस तरीके से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जब हमें सर्व करना हो, बस 10 मिनट पहले ओवन में लगाया और सर्व कर दिया। तो आप ऐसे रेडी करके रख सकते हैं, सेम डे ही करना पड़ेगा आपको, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको इंस्टेंट इसलिए बताया है कि अगर आप मुझे भी कहेंगे ना कि पिज़्ज़ा का बेस बनाओ फिर पिज़्ज़ा बनाओ, तो मैं कहूँगी नहीं बाबा, कुछ और बना लेती हूँ मैं, इतनी मेहनत नहीं होगी। तो बेस तो आप बाज़ार से ही लाएँ तभी इंस्टेंट होगा। चलिए अब इसको भी खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का मेल्ट होने आया ये, और अभी और होने दो इसको, अभी एक दो मिनट और ढकेंगे हम। तो ये हम अब सर्व करेंगे इसको। तो ये मेरे पास एक पिज़्ज़ा कटर है, तो मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ। जब तक उसको कट करूँ, ये मैं दूसरा जो मैंने पनीर वाला रेडी करा था इसको भी हम तवे पे लगा देते हैं। इसको कट करते हैं हम,
ये देखिए आपको एक मैं दिखा देती हूँ, ये बहुत गर्म है, देखिए एक दिखा देती हूँ आपको मैं पीछे से, ये देखिए इतना क्रिस्पी बना है। तो इसको भी खोल के देख लें, देखिए ये भी हमारा पनीर पिज़्ज़ा होने आया है। अब गैस ऑफ कर देंगे तो इसके भी पीसेस हम कट कर लेते हैं। ये मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, इससे इजीली रोल हो जाता है। ये देखिए हमारा तवा पिज़्ज़ा रेडी है, ये देखिए। तो बताएं आपको कैसा सर्व करते हैं। तो चलिए ये हमने प्लेटर में सर्व कर दिया है, स्क्वायर प्लेटर, राउंड पिज़्ज़ा एंड ट्रायंगल पीसेस, ये हमारे रेडी हैं। आप भी इस तरीके से बनाएं और एंजॉय करें घर पे अपनी मनपसंद टॉपिंग के साथ। तो जी पसंद आए तो लाइक करें, हम आपके लिए बहुत एफर्ट लेते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें।